बढ़ते देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता का विवादित बयान, कहा मोदी जी का कोई वंश ही नहीं। पीएम मोदी ने बुधवार को वंशवाद की राजनीति पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक इसका नुकसान संस्थाओं को हुआ है। एनसीपी छोड़ हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। वंशवाद की राजनीति पर पीएम मोदी के ब्लॉग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनका कोई वंश रहा नहीं। पीएम मोदी ने बुधवार को वंशवाद की राजनीति पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक इसका नुकसान संस्थाओं को हुआ है। पीएम ने कहा कि प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक, सोल्जर से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक, किसी को भी वंशवाद की राजनीति ने नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी के ब्लॉग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंश ही ना हो वह कैसे यह बात कह सकता है। वह आगे कहते हैं कि यह तो सारे दुनिया में हो रहा है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां वंश को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तारिक अनवर कहते हैं कि हर व्यवसाय में यह है, कोई ऐसा व्यवसाय बताइए जहां लोग अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाते हैं। राजनीति में भी आते हैं, उनका योगदान देखा जाता है। तारिक अनवर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा मोदी जी को आगे अपना वंश बढ़ाना नहीं है, इसलिए वह ऐसी बात कह रहे हैं। तो खबर में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।